How to fix Samsung Note 10 Lite conference call not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है Samsung के डिवाइस पे conference call not working problem सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे conference call के रिलेटेड आपको काफ़ी सारे चीज़ें जानने को मिल जाएगा, क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैसे आपको फ़िक्स करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आपको सेटिंग्स वगैरह करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपका प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल काम नहीं करते हैं तो दोस्तों, अगर आपका कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सबसे पहले जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आ जाइए, जनरल मैनेजमेंट पर जाके आपको रिसेट पर क्लिक करना है और रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और मोबाइल पासवर्ड भर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद आपको जाना है ऐप्स पर एंड स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर ऑप्शन है फ़ोन सर्विस का, तो उसको ओपन करना है एंड देन आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा ओके करने के बाद ही आपको बैक करना है और परमिशन पर जाना है। सारे परमिशन को अलाउ कीजिए। परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें। ठीक है, रिस्टार्ट करें, अपना कनेक्शंस के ऑप्शन पे जाए, मोबाइल नेटवर्क को 4G पर सेट कीजिएगा। 4G पर सेट होना चाहिए, आपका वॉल कॉल्स इनेबल होना चाहिए। ठीक है, वॉल कॉल इनेबल होना चाहिए, नेटवर्क 4G मोड पर होना चाहिए। उसके बाद जाके आप वीडियो कॉल प्लेस कीजिए, प्रॉब्लम फिक्स्ड हो चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल नॉट वर्किंग प्रॉब्लम फिक्स कर सकती है। बाय एनी चांस अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आते तो आप जाइए दोस्तों अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा आपका सारे इश्यूज़ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक नंबर को डायल करना होता है। ठीक है, एक नंबर को डायल, तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ काम करते हैं। तो एट कॉल कर दीजिए, उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट हो जाएगा एंड देन आप कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही सॉल्यूशन मैं आपको अभी के लिए सजेस्ट करूँगा। अगर कोई भी दिक्कतें आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।